है दो वेक्टर आपको गिवन है ए और बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है तो इसका पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरलोग्राम जो होता है पैरेलोग्राम जो होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू वेक्टर एंड फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फिर जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वो मैग्नीट्यूड ही क्या होता है एरिया ऑफ पैरेलोग्राम यानी कि इसकी सिंपल डेफिनेशन है एरिया ऑफ पैरेलोग्राम फोर्म बाई टू वैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ पैरेलोग्राम क्या होता है ऑलवेज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन वैक्टर तो पहले एक क्रॉस बी आई कैप लिखो माइनस जे कैप और के कैप आई कैप वन टू फोर टू वन और थ्री पहले इसको करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आई लिखो इस रो को मत देखो टू इंटू थ्री सिक्स माइनस का फोर माइनस का जे कैप लिखो ये आ जाएगा इस बीच वाली रो को थ्री इंटू वन थ्री माइनस का एट प्लस का के कैप फिर इस रो को मैं देखो वन इंट माइनस का फोर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा 2 आई कैप माइनस प्लस का 5 जे कैप और माइनस का 3 के कैप दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स अब हमें निकालना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर लिया अब इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का जाएगा फोर प्लस ट्वेंटी पूरे का अंडर रूट अंडर रूट थर्टी एट यह है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अंडर रूट थर्टी एट और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ कर दो वो होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल तो एरिया ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा अंडर रूट थर्टी एट बाई टू